आई है आपके छह दो चार दिन पहले। हाँ दो चार दिन पहले आई है ना, ओकर पहले कहाँ थी? एकदम बनाना है एकदम, उसमें कोई इच्छा पूर्वक नहीं है। हम लोग सब रूढ़ी के हैं, आज मोदी को चेहरा देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं सारण की धरती पे हूँ। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में सारण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे हॉट सीट माना जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 1977 में सबसे पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार से सांसद बने और बाद में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। 2004 और 2009 में भी लालू प्रसाद यादव सांसद बने और वर्तमान में जो सांसद है राजीव प्रताप रूड़ी, उन्हें करारी शिकस्त जो है लालू प्रसाद यादव ने दी। लेकिन 2014 में मोदी लहर में राजीव प्रताप रूड़ी ने राबड़ी देवी को 44,000 वोटों से पराजित किया। इसके बाद मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बने। 2017 के बाद से वो सिर्फ सांसद रहे। लेकिन क्या सारण का विकास हुआ है? अभी मैं सारण के धरती सोनपुर क्षेत्र के अंतर्गत हूँ, लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर माहौल क्या है, किनके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, क्या राजीव प्रताप रूड़ी से संतुष्ट हैं या नहीं। भैया क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार सिंह, ये बताइए क्या लगता है, राजीव प्रताप रूड़ी सांसद रहे हैं, दो बार से सांसद है, तीसरी बार टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या लगता है माहौल किनके पक्ष में? राजीव प्रताप रूड़ी के पक्ष, मोदी जी के पक्ष। रोहिणी आचार्य क्यों नहीं? रोहिणी आचार्य यहाँ की क्षेत्रीय है भी नहीं, वो विदेश सिंगापुर रहती है, 5,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, हम लोगों को भेंट भेंट भी करना होगा जितने के बाद, तो इसलिए हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी जी के साथ हैं तन मन धन से। कह रहे हैं कि सारण मेरा घर है, सारण में ही मैं रहूंगी, कभी कभी जाएंगे हम सिंगापुर। सारण उनका गोपालगंज में घर है, गोपालगंज से चुनाव लड़ाते हैं। यहाँ यहाँ 19 लाख वोटर है सारण जिला में। लालू यादव को कोई एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो उनको उनको टिकट दे, अपने ही परिवार के लोगों को क्यों? सिर्फ परिवार के लोगों का विकास हुआ है उनके 20 साल के राज में, न कि बिहार का विकास। 1977 में, 2004 में, 2009 में सारण से लालू प्रसाद यादव सांसद भी बने। कहा जाता है कि ये सारण में 3.5 लाख यादव है, यादव बहुल इलाका है, चार जो 6 विधानसभा पड़ता है उसमें 4 विधानसभा से विधायक आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार माहौल जो है बिल्कुल राजीव प्रताप रूड़ी के तरफ ही है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव प्रताप रूड़ी, लालू प्रसाद यादव के नाम पे जी नहीं, नहीं 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 कोई नहीं, वो चारा चोर आदमी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? यशवंत कुमार सिंह। यशवंत कुमार सिंह, क्या लगता है इस बार राजीव प्रताप रूड़ी या रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी? ना ना, यहाँ से तो बीजेपी ही है। बीजेपी, क्या वजह है कि बीजेपी गांव भर पूरा बीजेपी ही देते हैं? आखिर क्या वजह? मोदी लहर है, मोदी लहर बस, मोदी लहर के वजह, मोदी लहर है। राजीव प्रताप रूड़ी के कार्यों की अगर बात की जाए तो क्या उनके कार्य एकदम संतुष्ट है? किन किन योजनाओं को धरातल? इसमें है कि राजीव प्रताप रूड़ी को नहीं देख रहा है, या आदमी यहाँ देख रहा है मोदी जी को, मोदी जी बस, कहीं भी और आए तो बीजेपी मोदी लहर। रोहिणी आचार्य आई, सुर्खियों में बनी रही क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति को करीब से वो देख रही थी और सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय रही। लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया, यहाँ से जितने भी कदावर नेता थे वो भी नाराज बताए जा रहे हैं कि आरजेडी के नेता जो है वो नाराज है सिर्फ इस वजह से कि रोहिणी आचार्य को टिकट मिला था। क्या लगता है कि सारण की जनता रोहिणी आचार्य को एक्सेप्ट करेगी? कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। वजह क्या है? रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया, एक बेटी का किडनी डोनेट किया तो अपने फादर को ने किया है कि आम जनता के लिए किया है? आम जनता के लिए क्या किया है रोहिणी आचार्य? आम जनता के लिए कुछ किए हैं? कुछ नहीं। वो कहती हैं कि हम सिंगापुर में अब नहीं रहेंगे, यही सारण मेरा घर होगा। क्या लगता है जीतेंगे तो सारण ही घर होगा उनका? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपना सिंगापुर से आई है, सिंगापुर ही चले जाएगी। क्या लगता है भाई आपको? हमको मोदी लहर है बस, और कुछ नहीं, मोदी लहर है, मोदी पर बल आश्रित हम लोग हैं। यानी राजीव प्रताप रूड़ी को फिर से सांसद जब बनाना है एकदम, उसमें कोई इच्छा पूर्वक नहीं है। हम लोग सब रूढ़ी के हैं, आज मोदी को चेहरा देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। राजीव प्रताप रूड़ी का कुछ कार्यों को बताइए ताकि लोग देखिए। गैस पाइप हुआ, बिजली हुआ, रोड हुआ, सड़क हुआ, 15 साल वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो सांसद, छोटे मोटे सांसद रहे हैं। देखिए कि इनका विकास 17 महीने में कर रहे हैं, 17 महीने 17 साल के बाद देखिए विकास कहाँ चल रहा। रोड है, आदमी को देख लीजिए कि कहीं भी कोई भी जा रहा है निश्चित भर। 15 साल में आदमी कहीं नहीं जा रहा था। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची, मेरी बहन, उनकी बहन,
कोई डर भय संभाल के, अब कोई डर भय नहीं है घर में, स्वेच्छा अनुसार कहीं कोई जा रहा है, बताइए अब कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। चाचा आप लोग सारण को काफी करीब से देखते हैं, परिसीमन से पहले छपरा को भी देखे हैं, क्या लगता है माहौल किनके पक्ष में? माहौल हम लोग सिर्फ मोदी छोड़ के और किसी के नहीं, मोदी छोड़ के किसी को, किसी के। आखिर क्या वजह है कि सभी लोग मोदी मोदी ही कर रहे हैं? मोदी के यहाँ जैसे पहले से अभी बहुत वितरण है, देश के विकास बहुत हुआ और गरीबों पर कुछ ख्याल करता है मोदी जी। और इस वजह से ही आप लोग मोदी, बस मोदी मोदी हम लोग यही से कह रहे। देखिए सारण के लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक भैया बीजेपी का ही झंडा लिए हुए उनसे ही पूछते हैं हम, क्या नाम है भैया? अजीत कुमार सिंह। ये बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं, लगता है कि दिल में भी बीजेपी। बस वही है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ही से? अरे बहुत तरक्की किया 15 साल में, लालू जब से बहुत तरक्की हुआ, लालू के पीछे का पड़ है, रूढ़ी है बस, और सिर्फ रूढ़ी बस। रूढ़ी जी के कार्यों को कुछ बताइए जो जनता देख रहे सामने, उसका फोटो लीजिए ना सामने, वो है यहाँ, इसका फोटो लीजिए सामने है, बिहार में क्या इंडिया में कहीं भी बाहर कहीं नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में हो गया, ये जरूरी पाइपलाइन लगा दिया तब ये इतना जरूरी, और भी रोड है, बहुत जगह है, बहुत प्रोग्रेस किया रूढ़ी जी। यानी रोहिणी आचार्य सिर्फ आई है और उसके बाद चुनाव आई है, मतलब सारण से चुनाव लड़ने के लिए आई है? कहिया आई है आपके क्षेत्र? दो चार दिन पहले आई है ना, ओकर पहले कहाँ थी? अभी फेसबुक पर कल हम देखे हैं यादव अहिर, यादव किसको बोला गया, अहिर किसको बोला गया? अहिर कहता है कि हम लालुए हैं, यादव भी कहता है कि हम लालुए, यादव कहता है हम 64 है, भाई कैसन 64 होता है? ये तो बात लालू जी समझे ना, कहिया आए हैं लालू जी जाके। तो ये हैं तमाम लोग जो सारण के हैं, और आपको बता दें कि अभी संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों के ओपिनियन को जान रहा हूँ, इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी, सीधे तौर पर इनका कहना है कि हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार के किसी भी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन का कार्य नहीं हुआ होगा, लेकिन सारण में है, सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी का काम जो है वो दिखता है, बोलता है, इस वजह से ही हम लोग इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो रोहिणी आचार्य 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही संसदीय क्षेत्र में आ रही है, भ्रमण कर रही है, लेकिन इससे पहले कहाँ थे, क्या जनता के बीच में आए, तो आखिर उन्हें हम लोग वोट क्यों करें? फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।